सरदार साहब थोनु कोई मिलन आया जी। हाँ जी दसो। की गल आपका परछावा सामने खड़ा वेख के खुशी नहीं हुई? सरदार साहब बहुत ही भाल कराती तुसी, अज जाके टकरे हो। अज मैनू उन्हां सवालों के जवाब चाहिए ने जिहड़े 30 साल पहला तुसी पिछे छड्डे सी। सरदार साहब इस कहानी का अंत तो मैनू पता है, शुरुआत थोड़े मुंह सुनना चाहना। बाद बेशक जगीरां चलियां गईयां पर भुपिंदर सिंह दा रुतबा अज भी कैम सी। आसे पासे दे पिंडां च सरपंच तो लैके MLA MP हवेली दी दहलीज ते मत्था टेक के पड़ते, पर राजगढ़ च सरपंच रंधावा खानदान दे मुखी नूं ही मन्निया जांदा सी। अज एक फैसला हवेली का वड्डा सरदार भुपिंदर सिंह अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह लई लैण लग्या सी। नरेंद्र सिंह सिरे दा शराबी ते जुआरी सी, जिस करके ओ कुवारा सी। भाई नूं सुधारन दी आस च भुपिंदर सिंह ने अपने छोटे भाई नरेंद्र सिंह दा ब्याह एक गरीब घर की कुड़ी नाल पक्का कर दिता। सत श्री अकाल जी। ये रिश्ता नरेंद्र सिंह दे नाल नहीं हो रहा, रंधावा खानदान दे नाल हो रहा। यह भुपिंदर सिंह की जुबान है कि थोड़ी धी नूं इस हवेली च किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। हवेली चार चंद ला देने। की प्रौणा साहब तुसी दारू पी रहे हो? महाराज की हजूरी में लावा किवें लाओगे? हुण मुल दी जनानी दी लावा लै गले नहीं पो जा गड़ी जगड़ा। सरदार साहब जबान संभाल के, धी ब्याहनी है बेचनी भी। ओए तेरी इन्नी हिम्मत